नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का ये ट्यूटोरियल मैंने उन शुरुआती लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने अभी अभी सिलाई की शुरुआत की है। जब मैंने सिलाई सीखना शुरू किया था तो मुझे प्लेकेट्स देखने में बहुत ही टफ लगता था, इसलिए आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे प्लेकेट बनाना बताया है, जिस तरीके से मैंने सीखा था और फिर मुझे ये कभी मुश्किल नहीं लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्विक सेशन। सबसे पहले हम अपने टॉप को बीच में से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और 7 इंचेस नीचे की तरफ एक निशान लगाकर उसी निशान तक काटेंगे। प्लेकेट का जो हिस्सा बाहर रहेगा उस कपड़े की 8.5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी बनाएंगे इस तरह से निशान लगाकर, और इस तरह लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इसी निशान पर हम कटिंग कर देते हैं। अब प्लेकेट का जो भाग अंदर रहेगा हम उसके लिए भी स्ट्रिप काट लेते हैं। इस पट्टी की लंबाई जितना हमने टॉप का कटिंग किया था उससे 1/2 इंच या 1 इंच बड़ी होगी। मैं यहाँ 7.5 इंच ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच पर ही इस तरह रखकर मार्क कर लेते हैं, और अब इसे भी कट कर लेते हैं। अब हम टॉप को उल्टी बाजू की तरफ इस तरह रख देंगे, और अब इस एक तरफ हम एक बड़ी वाली पट्टी और दूसरी तरफ हम ये छोटी वाली पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए पट्टी के ऊपरी तरफ वाले हिस्से को लगभग 1/2 या 1/4 इंच मोड़कर हमें इस किनारे से एक सीधी सिलाई देनी है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से पट्टी को मोड़ते हुए सिलना है। ये देखिए, मैं यहाँ से लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पिन लगाकर अपनी मार्किंग की है और मैं वहीं तक सिलाई देकर इसे रिवर्स स्टिच से लॉक कर दूंगी। अब इस वाली पट्टी को भी मैं इस तरह ऊपर से मोड़कर एक बार रिवर्स स्टिच देकर सीधी सिलाई दूंगी, और इसे भी हम पिन के निशान तक लाकर इस तरह लॉक कर देंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए डिफरेंट कलर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है, पर आप मैचिंग थ्रेड का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब हम टॉप को सीधी तरफ पलट देते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से छोटे छोटे कट लगा देते हैं जिससे हम पट्टियों को आसानी से बाहर की तरफ पलट सकेंगे। और अब ये जो अंदर वाली पट्टी है इसे हमें इस तरह से मोड़ते हुए ये जो सिलाई है उसके ऊपर रखना है जिससे सिलाई छुप जाए। ये लगभग 1/2 इंच अंदर की तरफ मैंने मोड़ा है। अब मैं इसे चारों बाजुओं से सिल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें ऊपर से शुरुआत करनी है और प्रेशर फुटर को उठा के कपड़े को इस तरह घुमाकर फिर से बिल्कुल किनारे से हमें सीधा सिलना है। मैंने नीचे की तरफ भी पट्टी को 1/4 इंच मोड़ रखा है, और यहाँ से भी मैं इसी तरह सीधे सिलाई देकर एंड में लॉक कर दूंगी। इस तरह हमारे प्लेकेट का एक हिस्सा तो तैयार हो गया है। अब इस दूसरी वाली पट्टी को भी हम इस तरह बाहर निकाल कर ऐसे मोड़ेंगे, लगभग 1 इंच किनारे से मोड़कर। इस बार हम पूरा कपड़ा टॉप के ऊपर इस तरह रखेंगे कि टॉप की जो किनार है वो ना मोड़े। पट्टी के निचले भाग को भी हमें इसी तरह मोड़ना है और चारों तरफ से सिल देना है। ये मैंने पिनअप करके अच्छे से सेट कर दिया है। ये स्टेप बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना पट्टी की चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है। ये मैं किनारे से एक सीधी सिलाई दूंगी बिल्कुल पट्टी के एंड तक, और फिर प्रेशर फुटर को उठाते हुए कपड़े को घुमाकर पहले पिंस को निकाल दूंगी और फिर इस तरह सिलूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक भी बार कपड़े को मशीन से नहीं निकाला है और फुटर उठाते हुए सिलाई कंटिन्यू की है। इसी से प्लेकेट्स में फिनिशिंग लुक आता है। पिंस के ऊपर सिलाई बिल्कुल ना करें, हमेशा पिंस को निकालते हुए ही सिलिए, वरना आपकी मशीन की सुई टूटने का खतरा रहेगा। अगर मोड़ा हुआ कपड़ा बाहर दिख रहा है तो इसे इस तरह अंदर डालकर ही फिर इसके ऊपर सिलाई दें, वरना लुक अच्छा नहीं आएगा, और फिर इसे लॉक कर दीजिए। अब हम ये वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे जिससे अंदर वाली पट्टी छुप जाए, और फिर से इसे इस तरह सिलेंगे। नीचे से लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ ही सिलें। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसमें लूप्स लगाएंगे।
ये मैंने 1/4 इंच चौड़ी पट्टी बनाई है, जैसे हम डोरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये मैंने 4 पट्टियाँ काट ली हैं, इसकी लंबाई आप अपने साइज़ के हिसाब से ही रखें। मैंने 7 इंच ली है। अब इसे इस तरह से मोड़कर प्लेकेट के ऊपर रखें और दूसरे छोर से भी इसी तरह मोड़कर किनारे से हमें सिलाई देकर इसे जोड़ देना है। ये पट्टी कुल आधा इंच हिस्सा कवर करती है, तो उस हिसाब से पहले आप निशान लगा लें और फिर इस तरह रखकर 2-3 बार इस पर सिलाई दे दें। मैंने लूप्स सिल दिए हैं। अब मैं टॉप में ये बटन्स लगाऊंगी। उसके लिए पहले हम लूप्स को इस तरह रखकर चॉक से बटन्स की मार्किंग कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग्स कर दी हैं। अब मैं बटन्स को टॉप के ऊपर इस तरह रख के सिल दूंगी। तो इस तरह हमारा डिज़ाइनर प्लेकेट बनकर तैयार है। इस तरीके से आपका प्लेकेट मिनटों में बन सकता है और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये तरीका आसान लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही इजी क्रिएशंस के साथ। शुक्रिया।